उनको बुलाया, मैंने उनको बताया है कि आपको मुंबई में डरने की बात नहीं है, मुंबई शिवसेना की भी है, आरपीआई की है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है, राष्ट्रवादी की है, और मुंबई सभी धर्म के लोगों के, सभी जाति के लोगों की, सभी भाषा के लोगों की मुंबई है। मुंबई अपने देश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ सबको रहने का अधिकार है। और मैं मुंबई कर, मतलब उन्होंने बोला कि मैं मुंबई कर हूँ, और आज मैंने उनको बताया है कि आप जो आपके साथ हमारी रिपब्लिकन पार्टी हमेशा रहेगी। और जो उन्होंने बताया है कि भाई मेरा ऊपर मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है, मुंबई महानगर प्रशासन ने मेरा जो जनवरी में मैंने ऑफिस बनाया था इतना अच्छा बनाया था, और अगर कोई 2-3 इंच अगर अपने हमारा कुछ बांधकाम बिल्डर ने ज़्यादा किया होगा, उसकी भी जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं है जो उन्होंने बताया, और 2-3 इंच अगर वो बांधकाम ज़्यादा था तो मतलब वो तोड़ना चाहिए था, लेकिन अंदर का मेरा जो फर्नीचर है वो फर्नीचर भी पूरा तोड़ दिया है, पूरे जो वॉल थे वो भी तोड़ दिए हैं, और मेरा भारी नुकसान हुआ है। तो मैं कोर्ट में जा रही हूँ, और मैं कोर्ट से मुंबई महानगर पालिका की तरफ से मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, इसी तरह की भूमिका मेरे सामने उन्होंने रखी है। मैंने भी उनको बताया कि भाई आपके ऊपर अन्याय हुआ है, आप जब यहाँ आ रही थी, कल आ रही थी, तो कल आप आने के बाद मुंबई महानगर प्रशासन ने आपको नोटिस देना चाहिए था, आपको 3-4 दिन का वक्त देना चाहिए था, कोर्ट में जाने का मौका देना चाहिए था। अभी कोर्ट ने मतलब स्टे दिया है, लेकिन अभी वो स्टे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरा जो ऑफिस था उसको कोर्ट ने दिया है, उन्होंने उसके करोड़ों रुपये उन्होंने खर्च किए थे। वो बोल रहे हैं कि भाई जो मैंने मेरा जो फिल्मों में मुझे जो मेरी कमाई हुई वो सब मैंने उसमें डाल दी थी, मैंने बहुत अच्छा ऑफिस बनाया था, तो मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए कि उन्होंने बताया। बाकी भी चर्चा हमारी हुई कि उन्होंने बोला है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में मुझे बहुत बड़ा अभिमान है, उनके बारे में मुझे बहुत बड़ा आदर है, और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, संविधान के बारे में भी मुझे बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है, और अपने देश की जो जाति व्यवस्था है तो कम होनी चाहिए। मैं फील्ड में काम करती हूँ तो कौन से जात का एक्टर है, कौन से जात की एक्ट्रेस है, कौन से जात का मतलब वहाँ का जो डायरेक्टर कौन है, या उधर कौन है, कौन सी जाति का है, इसकी बिल्कुल जानकारी हमको नहीं होती है, हम सब मिलकर काम करते हैं। तो मेरा मत है कि मैं हिमाचल प्रदेश की हूँ और खत्म करना चाहते हैं, जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, ये मैं बताना चाहती हूँ। और इसी तरह उनके साथ हमारी बहुत देर तक बात हुई, मैंने उनको बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में लॉ मिनिस्टर थे, तब सभी महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, सभी महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए, इसीलिए बाबा साहब ने पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल लाया था, लेकिन वो हिंदू कोड बिल तब के मेंटेलिटी वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उसको नापास कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लॉ मिनिस्टर पद का इस्तीफा दे दिया था। इस पर भी हमारी बहुत चर्चा हुई, बहुत विषय पर हमारी चर्चा हुई, और जो ये मकान है, ये मकान भी वो बोलते हैं भाई जो बाहर का उनकी गैलरी है, ये गैलरी थोड़ी नीचे 2-3 फीट होनी चाहिए, ऊपर आई है, तो मुझे लगता है कि जानबूझकर इसी तरह उनको तकलीफ देने का काम हो रहा है। मैंने बताया कि मैं भी मतलब मुख्यमंत्री जी से मैं बात करूंगा, जो मुंबई महानगर पालिका के जो अधिकारी आयुक्त हैं उनसे मैं बात करूंगा, और आपके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, आप जैसे एक महिला को इसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैंने उनको बताया है। मुझे लगता है कि जो अधिकारियों ने नोटिस निकाली, अभी क्यों निकाली, जब उनको नोटिस निकालने का अधिकार है, लेकिन कंगना इधर आने के बाद नोटिस उनके हाथ में देनी चाहिए थी, इसीलिए मतलब जो अधिकारी जिम्मेदार है वो अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अभी कंगना कोर्ट में जा ही रही है, कोर्ट जरूर मतलब इसके संबंध में कॉम्पेंसेशन का भी आदेश देगा, और जिन अधिकारियों ने इसी तरह का अन्याय किया है उनके ऊपर जरूर से कार्रवाई होगी। सर, जिस तरीके से ने शिवसेना ने कार्रवाई की है, क्या आपको लगता है ये बदले की का जो है, बदले की भावना से जो है कंगना का जो ऑफिस है वो तोड़ा गया है? बदले की भावना ही है, मतलब कंगना जो है, कंगना ने मतलब शुरू में सुशांत राजपूत के बारे में सही बातें बताई थी, सत्य बताया था, और ड्रग के बारे में भी उन्होंने सूचना दी थी, उसके बाद मतलब एक एजेंसी भी ने पूरी इंक्वायरी की, और उसमें दरिया चक्रवर्ती हो, उनका भाई हो, और भी कोई लोग जिनको अरेस्ट किया है, तो मतलब उन्होंने ये भी बोला है कि भाई मेरा क्या संबंध है,
कामना ने मतलब कल बहुत बड़ी न्यूज छापी कि कंगना का भी ड्रग्स संबंध है या क्या क्या मतलब उनके पास रूम है तो सामना के ऊपर सामना पर भी केस करने की आवश्यकता है। अगर सामना इसी तरह का गलत अगर कोई विदाउट प्रूफ अगर इसी तरह का कोई छापेगा तो सामना पर भी केस होनी चाहिए, संजय राउत पर भी केस होनी चाहिए। और इसी तरह का बड़ी बड़ी न्यूज कल छपाई थी तो मुझे लगता है कि इसी तरह का मतलब इनका बदला लेने के लिए इनका सूट लेने के लिए ये कार्रवाई मुंबई महानगर प्रशासन जो हो रही है। लेकिन शिवसेना को मेरा निवेदन है कि बीजेपी के 92 मेंबर थे और आपके 94 मेंबर थे, अभी थोड़े से ज़्यादा हो गए, लेकिन बीजेपी के सपोर्ट से आप वहाँ सत्ता में थे और आपने इसी तरह का काम करना ठीक नहीं है। माननीय उद्धव ठाकरे जी के बारे में हमको आदर है, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, बाला साहब ठाकरे जी के चिरंजीव है, शिवसेना को उन्होंने बाला साहब के बाद उन्होंने मजबूती से चलाने का काम भी किया है, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने हैं। उन्होंने अपने शिव सैनिकों को आदेश देना चाहिए, मुंबई महानगर पालिका को आदेश देना चाहिए था कि भाई इसी तरह की कार्रवाई मत करो, अपनी सरकार है, अपनी सरकार के बदनामी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मतलब मुख्यमंत्री साहब ने महानगर पालिका को इसी तरह का आदेश देना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं और हमें जानबूझकर लग रहा है कि सरकार भी इसके पीछे है और उद्धव ठाकरे जी ने उनके आदेश पर ये मतलब उनके ऑफिस पर पानी का जो ऑफिस है उसकी इंक्वायरी मतलब कार्रवाई हुई है। और 2018 में मुझे कंगना ने बताया 2018 में कुछ उनको नोटिस दे दिया था, तो उसी तरह मुझे लगता है कोई विशेष जो ये बंगले में कोई ज़्यादा कुछ उन्होंने अलग काम नहीं किया है, कभी की काम किया है। और अगर कुछ ऐसा किया है तो उसको फाइन लेकर भी इस विषय को मिटाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कंगना के बारे में बदले की भावना से मुंबई महानगर प्रशासन और राज्य सरकार काम कर रही है, लेकिन शरद पवार साहब ने बताया है कि भाई ये मतलब इस विषय में ज़्यादा सरकार ने नहीं पढ़ना चाहिए, महानगर पालिका में नहीं पढ़ना चाहिए और जो कार्रवाई हुई है गलत कार्रवाई है, ऐसा भी शरद पवार साहब ने बोला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए शिवसेना ने अपनी भूमिका थोड़ी सौम्य करनी चाहिए और कंगना को बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये मतलब जिम्मेदारी शिवसेना की है। सर आपको क्या लगता है कि सुशांत सिंह मामले में आवाज उठाने के कारण जो है कंगना जो है भरपाई कर रही है उनको खामियाजा जो करना पड़ रहा है? सही है कि कंगना रानावत जी ने सबसे पहले सुशांत राजपूत के संबंध में मतलब जो बात बताई थी और उसमें हमको डाउट ऐसा ही उन्होंने बोला था, मुझे भी संबंध में डाउट है। ये भी हमारी चर्चा हुई सुशांत राजपूत के मृत्यु के बाद जो स्टेटमेंट आपने दे दिया था उस दिशा से ड्रग की इंक्वायरी हो गई और सीबीआई भी उस दिशा से इंक्वायरी कर रही है। तो मतलब 8 दिन पहले ही मतलब रिया चक्रवर्ती उनको छोड़ कर चली गई थी, जब उनकी मृत्यु हुई तब उन्होंने हमको बताया कि भाई वो फौरन उधर आई नहीं, जब पोस्टमार्टम के लिए जब उनकी बॉडी लेकर गए थे वहाँ फिर हरिया आई थी, हरिया चक्रवर्ती आई थी। तो मतलब 8 दिन पहले जो झगड़ा करके होते चली गई थी और 8 दिन पहले ही मतलब उनके जो मैनेजर है ये मैनेजर की भी मतलब आत्महत्या हुई थी, लेकिन आत्महत्या बोलते हैं लेकिन वो भी हत्या हो सकती है, सीबीआई ने उस बारे में भी इंक्वायरी करने की आवश्यकता है। और सुशांत को आत्महत्या करने की क्या आवश्यकता थी, वो ड्रग लेता था कि नहीं लेता था हमको मालूम नहीं है, लेकिन रिया अगर बोल रहे वो लेता था तो ठीक बात है, ड्रग लेता था इसका मतलब आत्महत्या करने का क्या मतलब है? और एम्स ने भी मतलब कुछ सवाल खड़े किए हैं, दिल्ली में जो एम्स हॉस्पिटल है उन डॉक्टरों ने भी कुछ सवाल उठाए हैं कि वो गले में जो मतलब था वो उठता था और ये लगता है कि भाई इनको फांसी लगाने की फांसी उनको जानबूझ कर लगाई। बाजू की महिला ने बोला है कि भाई 14 जून को पूरी लाइट वो मतलब बंगले की उनके पूरी भवन थी, इसका मतलब ये है कि उनकी हत्या हुई है और सीबीआई ने जल्दी जल्दी इंक्वायरी करनी चाहिए। मुंबई पुलिस पर हमारा पूरा भरोसा है, कल मुंबई पुलिस ने कंगना रानावत को बहुत टेक्निकली अच्छी भावना से उनको यह सुरक्षित पहुंचाया है और मुंबई पुलिस का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, मुंबई पुलिस पर हमारा पूरा भरोसा है। लेकिन हमारी शंका इतनी थी कि 2 महीना हुए थे सुशांत राजपूत के केस में पुलिस को कोई अंतिम टप्पे तक पहुँचने का मौका नहीं मिल रहा था, वो FIR दाखिल करने के लिए मतलब उनको कोई मतलब मार्गदर्शन भी मिल रहा था, इसलिए हमने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी और अभी सीबीआई इंक्वायरी भी 15 दिन हो रहे हैं, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, तो सीबीआई ने भी जल्दी जल्दी इंक्वायरी करनी चाहिए और ये हत्या ही आत्महत्या है इसके बारे में जल्दी जल्दी उन्होंने कंक्लूजन पर आना चाहिए और जो आरोपी है अगर हत्या है वो
उस आरोपियों को पकड़ना चाहिए। सर जिस तरीके से कंगना रनौत लगातार प्रतिक्रिया दे रही है, क्या लगता है कि वो आरपीआई में शामिल हो सकती है? सभी को वही जवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है, सभी को एक ही जवाब मिलेगा। त्या उद्देश मी समर्थन करत नाही आहे, परंतु ज्या वेळेला अशा पद्धतीची परिस्थिती निर्माण झाली होती त्यामुळं कंगनाने अशा पद्धतीचे उद्गार काढले होते की मुंबई ही पाक व्याप्त काश्मीरसारखी आहे का, अशा पद्धतीनं तेव्हा त्यांनी केलेला होता। पण नंतर तिनं जय मुंबई जय महाराष्ट्र असा नारा दिलेला आहे आणि मी आता मराठी शिकत आहे, मी माझी चर्चा झाली आणि तिला मी सांगितलं की आप 16 साल जो आपकी रहती है तो बोली मुझे मराठी बोली समझती है, मुझे मराठी अच्छी लगती है, तो मैं मराठी सीखने वाली हूँ, तो मराठी अच्छा बोलेगी तो शिवसेना को अच्छा लगेगा, तो ये मराठी बहुत जल्दी बोलने वाली है। पहुंची है तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आरपीआई में कंगना शामिल हो सकते हैं, क्योंकि लगातार वो बीजेपी की भी जिस तरीके से बोल रही हैं, वो भी लगता है कि जो विपक्षी पार्टी है वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि हो सकता है शायद वो बीजेपी में भी शामिल हो, तो क्या आरपीआई में कुछ ऐसा मुद्दा है कि वो आरपीआई में आ सकती है कंगना रनौत? रनौत बोलते मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे समाज नेता होने चाहिए, मुझे इंटरेस्ट है। मेरी फिल्म में जो अभी अयोध्या नाम की फिल्म आ रही है और उसमें दलित का भी कैरेक्टर मैं उसमें कर रही हूँ, मुझे दलितों के बारे में बहुत बड़ा आदर है और ये जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, इसी तरह की भूमिका उन्होंने रखी है। तो मुझे लगता है कि अभी वो कौन सी पार्टी में जाएगी, अभी उन्होंने तो बोला है कि भाई मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, मैं फिल्म में हूँ और जब तक मैं फिल्म में हूँ तब तक अभी किसी पार्टी में जाने की उजाला नहीं की गया है। लेकिन वो अगर बीजेपी में आरपीआई में आती है तो हम उनका तो स्वागत करेंगे, अगर आरपीआई में आती है तो मैं 100% स्वागत करूंगा, बीजेपी में जाएगी तो 50% स्वागत करूंगा। कैसा हाँ क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को माफी मांगना होगा कंगना रनौत से? मुख्यमंत्री ने माफी मांगनी जरूरी नहीं है, लेकिन अभी वो गुस्से में आकर उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, इसीलिए माननीय उद्धव ठाकरे जी के पार्टी की सत्ता मतलब मुंबई महानगरपालिका में है और वो माननीय उद्धव ठाकरे जी के इशारे पर ही ऐसा हुआ है, ऐसा उनको गुस्सा आया था और इसीलिए उन्होंने वो एकेरी शब्द किए थे, लेकिन वो एकेरी शब्द से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं आज भी माननीय उद्धव ठाकरे जी के साथ में नहीं हूँ, लेकिन हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं और वो मेरा रिस्पेक्ट करते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो मुख्यमंत्री के नाते मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ और उन्होंने गुस्से में मतलब उनका इतना बड़ा नुकसान हुआ था, फिर उन्होंने गुस्से में आकर थोड़ा सा जो बोला था, लेकिन उस गुस्से में समझ नहीं हो। बीएमसी को भरपाई करके देनी चाहिए जितना भी नुकसान हुआ, मतलब जो म्यूनसिपाल्टी उन्होंने भरपाई करके देनी चाहिए, अभी वो कोर्ट में जा रही है, कोर्ट ने एक गुस्से भी दे दिया है। अगर ऐसा कंगना रनौत इधर आने के बाद कल अगर उनको नोटिस देते थे, और मैंने पहले भी बोला कि 3-4 दिन का टाइम उनको मिलता था तो बहुत जोर से लगाती थी, बाद में क्या चलती थी, क्या क्या हुआ है, तो इसलिए मुझे लगता है कि उसके बारे में जो भी मतलब उनका नुकसान हुआ है ये नुकसान भरपाई मुंबई महानगरपालिका ने देनी चाहिए, और मैं कल मतलब म्यूनिसिपल कमीशन से भी बात करने वाला हूँ और यहाँ के जो डीएम थे उनसे भी मैं बात करने वाला हूँ, भाई इसमें से क्या मार निकाला जा सकता है। और इसी तरह मैं कोशिश करूँ, सर आपने कंगना कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, क्या कंगना मुंबई में डरी हुई है? नहीं, कंगना बिल्कुल डरी हुई नहीं है, मतलब कंगना डरी नहीं है ना मुंबई डरी है, और इसीलिए मुझे लगता है कि कंगना को मैंने विश्वास दिलाया कि मेरी पार्टी आपके साथ है, आपके हमें कोई पॉलिटिकल इसमें कोई फायदे का बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक मानवता के नाते आप एक महिला है, आप एक बड़ी अभिनेत्री है और शिवसेना जब उनको धमकी दी थी तो रिपब्लिकन पार्टी उनके पीछे खड़ी हुई थी और उनको भरी आरपीआई का विश्वास मिला है, और मैंने ये भी बोल कर आया हूँ कि कोई डरने की बात नहीं है, मेरी पार्टी के कितने एमएलए वो छोड़ दो, लेकिन मेरी पार्टी के साथ भी गली गली में मेरे कार्यकर्ता है और अब वो आपको दौरे मिलते हैं। कंगना क्या 14 तारीख को विदेश जा रही है, जानकारी मिली है कि 14 तारीख को विदेश जा रही है? विदेश का तो मुझे नहीं है, यूरोप में शूट है सर, 14 तारीख यूरोप में उनका शूट है, 14 तारीख को जा सकती है ऐसी खबरें। सर आज हमारी संजय रावत से बात हुई है और उनका ये कहना है कि जो कार्रवाई की गई है उनके दफ्तर पर उसकी जिम्मेदारी जो है वो बीएमसी की है, तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि शिवसेना और बीएमसी अलग कैसे हो रही है अपने ऊपर से, क्या शिवसेना पल्ला झाड़ रही है? संजय राउत का जो कहना है बात सही है कि भाई ये शिवसेना का विषय नहीं है, ये विषय
विषय है मुंबई महानगरपालिका का, और मुंबई महानगरपालिका ने अगर मतलब उसको तोड़फाड़ की है, कंगना का कहना है कि भाई मेरा अंदर का जो फर्नीचर है वो भी कुछ बोल दिया, अगर हमारा बंदका कुछ ज़्यादा था ऐसा उनको लगता था तो वो तो तोड़ना चाहिए था, लेकिन मेरे अंदर आकर पूरा मतलब पूरा सत्यानाश मेरे ऑफिस में कर दिया है। मैंने उधर शूट भी किया, इतना मैंने अच्छा बनाया था, तो उनको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। तो संजय राउत जो बोल रहे हैं वो तो संजय राउत के कारण ही मतलब ये तो हो गया है, लेकिन अगर उनका कहना है वो सही है कि अगर महानगर पालिका ने उनको तोड़ा है तो कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। उसे बदले की भावना से कार्रवाई की थी, तो बदले की भावना से कार्रवाई की, अभी अचानक कार्रवाई करनी चाहिए। संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, कंगना रनौत को जो वाई प्लस सिक्योरिटी गई है दी गई है उस पर जमकर राजनीति भी की जा रही है, सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर इतना बड़ा मुद्दा क्या हो गया जो कंगना रनौत को वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई है। राजनीति का विषय नहीं है, एक महिला को और एक फिल्म अभिनेत्री को जब इसी तरह की धमकी आ गई थी, अमित शाह जी ने, भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको वाई प्लस सिक्योरिटी दी है, और इसमें कोई मतलब गलत ऐसा नहीं है। अभी यहाँ मुंबई पुलिस खड़ी है और मुंबई पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि भाई उनकी सुरक्षा करनी है, मुझे लगता है कि इसमें कोई सिक्योरिटी का विषय नहीं है। मुंबई पुलिस ने उनको मतलब वहाँ से बहुत बड़े अच्छे तरीके से उनको यहाँ लाया, कुछ भी हुआ नहीं, तो मुंबई पुलिस ने अच्छा काम किया और मुंबई पुलिस अच्छा काम करती रहती है, तो वो मुंबई पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि भाई यहाँ कुछ ऐसा ना हो ताकि मतलब उनके सुरक्षा में कोई प्रॉब्लम हो। मुंबई पुलिस भी यहाँ मौजूद है और मुंबई पुलिस भी इनकी सुरक्षा कर रही है। थैंक यू।